हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज सेंड साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं। और ये मैसेज सेंड साउंड सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये मैसेज सेंड साउंड का, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको टैप करके इसे ऑफ करना है, ठीक है। टैप करेंगे तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपके मैसेज सेंड साउंड सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन में जो टेक्स्ट मैसेज का ऐप होता है ना, ये जो टेक्स्ट मैसेज का ऐप होता है, अगर इस ऐप के अंदर, मैसेज के ऐप के अंदर अगर आप किसी को भी मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है, और जैसे ही मैसेज सेंड होगा ना तो आपका मोबाइल फ़ोन कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी मैसेज सेंड साउंड सेटिंग डिसेबल होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ही आपको सर्च आइकन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है मैसेज सेंड साउंड, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको जो है ना नीचे की साइड में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा मैसेज सेंड साउंड का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो ये आपको ऑप्शन नीचे की साइड में शो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।